बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज संडे के दिन फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में, और आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन की तहदार बिरयानी। तो चिकन की तहदार बिरयानी बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जनाब, चिकन ये हमने लिया 1.5 किलो, और उसके बाद चावल हैं जी 3.5 गिलास, और उनको हमने भिगो के रख दिए, और उसके बाकी जो लवाजमात हैं, बाकी मसाले, वो भी आपको साथ साथ बताते हैं कि जी क्या क्या हमें चाहिए। तो आइए इसकी तैयारी शुरू करते हैं और साथ साथ आपको मसालों के बारे में बताते हैं। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले जो मसाला तैयार करना है हमने, उसमें हमने ये 5 अदद प्याज हैं उनको काट लिया है, ये हमने डाल देने हैं। कुकर में हमने 3 गिलास पानी डाल दिया है, उसके अंदर ये डाल देंगे। उसके बाद जी 5 अदद टमाटर और 5 या 6 हरी मिर्च ये ले लें, और 2 इंच के करीब जो अदरक है उसको हमने कूट के, तो उसका वो बना लिया है कूटा हुआ अदरक, ये डाल देंगे इसमें। उसके बाद जी 3 अदद लहसुन, 2 चम्मच हमने ये नमक लिया, 1 चम्मच हल्दी है, 1.5 चम्मच तकरीबन ये रेड चिल्ली है, और 1/2 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। ये सारी चीज़ें डाल के हमने जनाब अब इसको हम बंद कर देंगे और इसको प्रेशर लगवाएंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको प्रेशर लगवाएंगे ताकि ये जितनी भी हमने इसमें चीज़ें डाली हैं वो गल जाएं, और फिर उनको तैयार करते हैं। कुकर को करते हैं ये बंद और नीचे आग जला देते। अच्छा जी दोस्तों, जो हमने कुकर है उसको तो शुरू कर लिया है, उसके नीचे आग जला दी है, और अब ये अब इसकी सीटी आएगी तो तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। तो उसके साथ ही जो दूसरी साइड है वहाँ पे हम चावलों को उबालेंगे। तो चावलों को उबालने के लिए हमने पानी ले लिया, पानी इसमें खुले ही डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ये कोई नाप तोड़ वाला पानी नहीं डालना इसमें। जो चीज़ें इसमें डालनी है, 2 चम्मच गरम मसाला साबुत और 3 चम्मच नमक के हम इसमें डालने हैं। नमक इसलिए इसमें भी डालना है क्योंकि ये अब इसको हमने चावलों को उबालना है ना, तो जब पानी निकलेगा तो नमक इसमें से निकल जाना, तो जो चावलों में उसमें फ्लेवर रह जाएगा उसका नमक का। तो उसके साथ साथ इसमें जो हमने उबलते हुए जो चीज़ें डालनी हैं उसमें पुदीना और धनिया, ये इनको बांध दिए, बांध के ये भी इसमें डाल देंगे, लेकिन जब पानी को उबाला आ जाएगा तो इसको बाहर निकाल देंगे, तो बाकी चीज़ें भी जो है ना उसमें हल हो जाएगी। अच्छा जी, ये पानी हमने उबलने के लिए रखा हुआ है, इसके अंदर मसाला ऐड कर देते हैं, गर्म मसाला साबुत और नमक ऐड कर देते हैं। और साथ ही हमने इसको जो धनिया और पुदीना बांध के रखा हुआ है इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और इसको उबलने के लिए टाइम देते हैं। जब पानी को उबाला आ जाएगा तो फिर इसमें चावल उसमें ऐड करेंगे। A few moments later. अच्छा जी, वीडियो में आप दोस्तों को दोबारा खुश आमदेद करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं सीटी को चलते हुए, और साथ जो हमने पानी रखा था चावलों को उबालने के लिए उसमें भी उबाल आ चुका है, तो इसकी तो हम फ्लेम बंद कर देते हैं, आग बंद कर देते हैं, और
जो पानी रखना है आपने उबालने के लिए, उसमें हम चावल डाल देते हैं। चावल हमने जनाब तकरीबन एक घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो हमने पुदीना और धनिया इसमें हमने रखा था, उसको हम निकाल लेते हैं वापस, क्योंकि इसका हमें सिर्फ फ्लेवर चाहिए था, वो उसमें आ चुका है। और चावल हम डाल देते हैं इसमें। इसमें से स्टीम निकाल लेते हैं और चावल हम रख दिए हैं उबलने के लिए। जब तक चावल उबलते हैं ये मसाला हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी दोस्तों, मसाले को हमने प्रेशर कुकर से निकाल के तो इसमें पीले में ले आए हैं, और अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे ताकि इसको थोड़ा सा पका लें। मसाले का पानी था इसमें, और अब जो इसमें गोश्त डाला है उसमें भी पानी निकलेगा, तो इसी पानी में ये गल भी जाएगा और इंशाल्लाह तैयारी भी करेंगे इसकी बाद में। अब जनाब इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया ये 3 चम्मच लिया हमने, और गरम मसाला साबुत, इसमें हरी इलायची और बड़ी काली इलायची और दालचीनी और ये करी पत्ता, ये इसमें डाल देंगे। ये धनिया पाउडर और मसाला इसलिए पहले नहीं डाला था कि अगर पहले डाल देते जब इसमें ने कुकर में डाला था तो मसाले का रंग ख़राब हो जाता है, कलर तो उसमें ब्लैक हो जाता है। और उसके साथ जनाब चावल भी हमारे उबल रहे हैं। ये भी तकरीबन तैयार होने ही वाले हैं। ये दोस्तों चावल जो हमने डाले थे पानी के अंदर तकरीबन उबल चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे साइज के दिखे चावल, जल गए। अब इनको निकाल लेते हैं पानी से, पानी का अलहदा कर लेते हैं और चावल अलहदा कर लेते हैं निचोड़ के। तो बताना ये था कि चावल जो उबालने हैं आपने खुले बर्तन में उबालने हैं, क्योंकि पानी भी ज़्यादा और बर्तन भी खुला हो आपके चावल टूटे ना। और उसके साथ हमारा जो चिकन है वो भी तैयार हो रहा है। जब तक चिकन तैयार होता है हम चावल जो उबल चुके हैं वो पानी उसका निकाल लेते हैं।
अच्छा जी दोस्तों, चावल निचोड़ लिए हमने और ये अलहदा हमने रख दिए हैं, और चावलों से जनाब बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अभी इनको रख देते हैं और जो हमने चिकन रखा हुआ है उसको तैयार कर लेते हैं। चिकन तैयार करके फिर इसको फाइनल अब जो इसकी तैयारी है वो करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जो हम चिकन तैयार कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये चीज़ें ये भी ऐड करनी है। ऑयल है 1 कप, अचार और बिरयानी मसाला है 2 चम्मच, लेमन है हमने 8 पौने छोड़ के रखे हुए हैं वो डालेंगे, और उसके बाद इमली का हमने इमली को भिगो के रखा था और उसका पल्प निकाल लिया है, तकरीबन कह रहे हैं 2 चम्मच इमली थी उसको हम उसका पल्प निकाल लिया। अब ये चीज़ें भी अब इसके चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। तो ऐड करते हैं जी इसमें चीज़ें, ऑयल 1 चम्मच 1 कप, 1 कप ऑयल, बिरयानी मसाला और अचार दोनों चीज़ें इसमें डाल दी। लेमन जूस, और जनाब इमली का पानी, पल्प, तकरीबन आधा जो गोश्त है वो हमारा पक चुका है, अब बाकी का गोश्त जो पका लेते हैं। चीज़ें भी इसमें जो भी डालनी थी डाल दी हैं, तो जो ही तैयार होता है उसके बाद चावलों के अंदर डाल के तो इसको फाइनल जो बिरयानी उसको तैयार करते हैं। जी दोस्तों, जो चिकन हमने तैयार करने के लिए रखा था अबाउट तैयार हो गया तकरीबन, आप देख सकते हैं इसमें ऑयल छोड़ दी है और काफ़ी अच्छा भुन गया है। अब फाइनल तैयारी करते हैं जी, चिकन और जो चावल हैं उनकी तह लगा के, तो जो तहदार बिरयानी है उसको फिर दम लगाएंगे। तो करना जनाब ये है कि पतीला लेना बड़ा, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देना ताकि जो नीचे इसका पेंदा है ना वो उसके ऊपर चावल लगे ना। अच्छा जी दोस्तों, अब इसकी जो चावल और जो सालन तैयार हो गया इसकी तह लगाते हैं, तो तहदार बिरयानी के लिए सबसे पहले चावलों की तह लगेगी, चावलों की 3 तह लगेंगी, और जो सालन तैयार की है चिकन उसकी 2 तह लगेंगी। अंदाजे से आपने 1 तह की, यानी उसको 3 पे तकसीम कर लेना और 1 तह उसकी बना लेनी है नीचे, और उसके ऊपर जो आपका चिकन तैयार किया हुआ है उसकी अब इसमें चिकन की आधी तह लगा देते हैं। चावलों की तह लगाएंगे इसके ऊपर,
अब जो बाकी का आपके पास जितना भी चिकन है उसकी इस पूरे की तह लगा देंगे। चलिए दोस्तों, जो चिकन था जो हमने तैयार किया था वो सारे का सारा हमने दूसरी तह में डाल दी है। अब फाइनली जो उसकी तीसरी तह है चावलों की, वो डाल देते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी दोस्तों, जो चावलों की और जो हमने चिकन तैयार किया था उसकी सारी तह लग गई है। अच्छा जी दोस्तों, इसमें थोड़ा सा हमने कलर डालना है, तो जो ज़रदा कलर है वो हमने भिगो के रखा हुआ है उसको पानी के अंदर, तो वो डाल देते हैं इसके ऊपर ताकि प्यारा सा कलर भी आ जाए इसके अंदर। और एट द एंड अब इसको गार्निश करते हैं जो ब्राउन प्याज ये हमने की हुई थी ये इसके ऊपर डाल देते हैं। पुदीने के पत्ते हैं ये डाल देते हैं ताकि खुशबू अच्छी आ जाएगी, और लेमन ये काट के डाल दें। अच्छा जी, लास्ट पे इसको अब तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने दम लगाना है, तो दम के लिए हम इसको उठा के तो चूल्हे के ऊपर रख देते हैं और नीचे एक तवा रख लेंगे और हल्की आग पे इसको 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। जी दोस्तों, आ गए हैं हम खाने की टेबल पे। अच्छा जी, टेबल पे मौजूद है जी दही का रायता और उसके साथ जनाब तह वाली बिरयानी। तो आज जनाब इसके व्यू देने के लिए कि जी किस तरह की बनी है और क्या टेस्ट है, हसन भट्ट साहब मौजूद हैं जी। थैंक यू आपका। ठीक है जी, वो बताएंगे जी कैसी बनी है और क्या है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें जी। श्योर, बिस्मिल्लाह। खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है, अरोमा जो है ना ये साबुत मसालों का काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये हम बोटी भी ले लेते हैं एक चिकन की, टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा जो है ना टेस्ट बना है। बस रायता भी ले, रायता भी लेते हैं ज़रा। पहले सिंपल, पहले सिंपल सिंपल चावलों का तो टेस्ट लेना कि चावल कैसे तैयार हुए। ये जनाब रायता, ये हमारे चावल और चिकन आ गए। चिकन तो माशाल्लाह काफ़ी टेंडर हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला, बहुत ही शानदार बने हैं चावल, बिल्कुल अलग अलग। सही, कोई चावल जुड़ा नहीं हुआ दोस्तों, और इतना मज़ेदार। लेमन का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बीच में आ रहा है, इसमें जूस डाला हुआ, लेमन का टेस्ट आ रहा है काफ़ी खूबसूरत सा, और मसालों का लाइम सा एक टेस्ट है कि ये नहीं कि इंसान को मिर्ची लगे या फिर बहुत ज़्यादा ओवर मसाले हों, एक मुनासिब मसाले और अच्छा टेस्ट जिसको बोलते हैं ना वो बना हुआ जनाब बिरयानी का। बिरयानी मेरी फेवरेट भी बहुत है। हाँ जी, बिरयानी तो जनाब बच्चों की बड़ों की सभी की फेवरेट होती है। हम रायते के साथ टेस्ट करते हैं, एक बाइट रायते के साथ बनाते हैं। रायता भी आपने जनाब काफ़ी लोडेड सा रायता बनाया है। चेक करते हैं ये दोस्तों, रायते के साथ हमारी बाइट तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाह।
रायते ने ना जो बिरयानी का ओरिजिनल टेस्ट है ना उसको दुबार दिए। रायते के बगैर बिरयानी बहुत ही मज़े की है। सही, रायते के साथ जो है ना रायते का अपना फ्लेवर आ रहा है, मगर रायते ने बिरयानी के फ्लेवर को ना बहुत दुबा दिए। मैं तो आप वो यही रेकमेंड करूँगा कि सेम रेसिपी के साथ आप रायते के बगैर बना के टेस्ट करें और फिर मुझे बताइएगा कि मेरा रिव्यू जो है वो ओरिजिनल था या फेक रिव्यू था। बहुत ही शानदार रेसिपी से तैयार हुई है। ठीक है जनाब, चलें अब चेक करते हैं जनाब खुद भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ज़बरदस्त जी, बेहतरीन टेस्ट है, बेहतरीन सा फ्लेवर है। और जैसे हसन ने बताया कि थोड़ा सा खट्टा है, खट्टा उसकी खटास भी है क्योंकि इमली का पानी भी डाला था और साथ में माशाल्लाह जी दोस्तों बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनी है, तहेदार। आप भी जनाब अपने बच्चों को बड़ों को इस रेसिपी से बना के बिरयानी खिलवाएं। और आखिर पे एक ही जो सबके साथ जो हर वीडियो में एक रिक्वेस्ट होती है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। बस यही रिक्वेस्ट होती है। बहुत शुक्रिया और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। बिरयानी बहुत ही मज़े की थी और वीडियो को हम यहीं पे जो है ना अल्लाह हाफिज़ बोलेंगे और इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और एक यूनिक और न्यू रेसिपी के साथ आपको इंशाल्लाह अगले संडे को या फिर अगले आने वाले कुछ दिनों में या अफ्तार पार्टी में आपको हम मिलते हैं। तो उतनी देर के लिए जो है ना हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ और नासिर। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।